नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं अंश माथुर। गुजरात से 1213 प्रवासी मजदूरों कामगारों को लेकर ट्रेन बरेली जंक्शन प्लेटफॉर्म पहुंची तो सभी ने मजदूरों का स्वागत किया। बाहर से आए सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है, जिसके बाद सभी मजदूरों को उनके गृह जनपद के लिए रोडवेज की बसों से रवाना किया जाएगा। मजदूरों को विभिन्न जनपदों में ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें लगाई गई थी। प्रवासी मजदूरों की वापसी की सूचना पर रेलवे के साथ ही जिला प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए। एडीजी बरेली जोन अविनाश चंद, कमिश्नर रणवीर प्रसाद और डीआईजी राजेश पांडे ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गुजरात से आए प्रवासी मजदूरों और कामगारों को उनके गृह जनपद भेजने के लिए 38 रोडवेज की बसें लगाई गई थीं। बस में बैठने से पहले सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसके बाद बस में ही उनके लिए खाने का इंतजाम कर रवाना किया गया। अहमदाबाद से स्पेशल ट्रेन से प्रवासी मजदूर बरेली आए, इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इनको प्रदेश के 42 जनपदों में भेजने के लिए रोडवेज बस की व्यवस्था भी की गई। इसके साथ ही प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार मजदूर अपने घर जाने के बाद 21 दिन तक होम क्वारंटीन भी रहेंगे। इसके साथ ही बरेली पहुंचे ज्यादातर मजदूर और कामगार अहमदाबाद में नौकरी कर रहे थे और लॉकडाउन के कारण अहमदाबाद में ही फंस गए थे। आपको बता दें, इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच थे। ये ट्रेन मथुरा जंक्शन होते हुए बरेली पहुंची। गुजरात के अनेक शहरों में फंसे 1200 लोगों को लेकर साबरमती श्रमिक स्पेशल ट्रेन 00987 अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से रात करीब 11 बजे चलकर मंगलवार शाम 4:22 पर बरेली पहुंची। रास्ते में ये ट्रेन पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, मथुरा जंक्शन, कासगंज होते हुए बरेली पहुंची। गुजरात से चलकर बरेली पहुंचने वाली ट्रेन की सूचना मिलने पर डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी शैलेश पांडे समेत सभी आला अधिकारी जंक्शन पहुंचे और स्टेशन मास्टर सत्यवीर सिंह और आरपीएफ इंस्पेक्टर विपिन सुधुरदिया को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। क्या क्या घरों में जाने का इंतजाम किया गया है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, यहाँ से 1216 मजदूरों के आने की है व्यवस्था की गई है अहमदाबाद से, और अहमदाबाद से डायरेक्ट ट्रेन बरेली आ रही है। इसमें विभिन्न जनपदों के जो हमारे लेबर हैं वो हैं विभिन्न जनपदों के, उनके लिए हम लोगों ने यहाँ बस की व्यवस्था कर रखी है और यहाँ पे टेस्ट होगा, इनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद वो अपने अपने जनपदों की बस पे बैठेंगे और यहाँ से रवाना होगा। यहाँ पर जो है श्रमिकों का यह ट्रेन आने का जो है उसके हिसाब से लगभग जो है 1216 यात्रियों का वो मिला था हम लोग को। उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न स्थानों पर जाना है उनको, तो हम लोगों ने उस यहाँ से 35 जो है ट्रेन का व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है और डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लगभग 25 यात्री पर बस में बैठाने का टारगेट रखा गया है। और यहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में जैसे मेरठ, सहारनपुर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, कौशाम्बी, बनारस, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और आपका इधर जो है हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर और बलरामपुर, 5 जगहों के लिए जो है यहाँ से यात्रियों को भेजने की व्यवस्था की गई है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन आने के बाद प्रवासियों की जांच की जा रही थी। इसके बीच मेडिकल टीम ने थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान 3 लोगों को संदिग्ध पाया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बरेली पहुंचे श्रमिकों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि वे टिकट लेकर बरेली पहुंचे हैं। कब से थे अहमदाबाद में, क्या कर रहे थे आप? कंपनी में धागा में काम कर रहे थे। तो कंपनी की तरफ से आपको कुछ सुविधाएं वगैरह मिली थी उस समय जब तक आप वहाँ थे? कुछ नहीं मिला। यहाँ पर अब योगी सरकार ने आपको बरेली बुला लिया वापस और यहाँ से आप अपने अपने घर तक जाएंगे, जहाँ कहाँ जाना है आपको? जंगीपुर जाना है, गाजीपुर। गाजीपुर, तो योगी सरकार का ये कदम कैसा लगा आपको? ठीक लगा। बरेली पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने बताया, अहमदाबाद सरकार ने तुम्हें वापस बुलाया, क्या काम, कैसा काम है सरकार के? अच्छा काम है। कहाँ के रहने वाले?
चंडोस गांव हमारा कासगंज जिला पड़ता है। कहाँ से आना हो रहा आपका? अहमदाबाद से। वहाँ पर क्या करते हैं आप? सर वहाँ पे जॉब करता था इलेक्ट्रिकल में। तो कब से आप फंसे हुए हैं वहाँ पर? सर अभी तो 22 मार्च से। 22 मार्च से जी। क्या सुविधाएं मिली वहाँ पर आपको? वहाँ पर गुजरात सरकार ने आपको कैसा किया और अब यूपी सरकार ने आपको बुला लिया है वापस? जी सर, यूपी सरकार का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बाबा जी के ऊपर, उन्होंने सबको बुलाया और हमें इसी तरह के मंत्री की जरूरत है। अभी जो आप यहाँ से ट्रेन से आए, इसमें आपको कोई ट्रेन का टिकट लेना पड़ा है? जी जी सर, टिकट लेना पड़ा 525 रुपये का अहमदाबाद में। जी टिकट दिखा तेजी से बोलिए। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय। कहाँ से आना हो रहा है आपका? साबरमती से अहमदाबाद। अहमदाबाद से कब से अटके हुए थे वहाँ पर आप? कब से रुके हुए थे वहाँ पर आप? नहीं, हम अपने कंपनी हमारी है प्राइम स्पिन टेक हायला में, बावला है जी। वहाँ से हम लोग चेकअप करा के कंपनी द्वारा चेक हुआ सब फार्म वार्म भर के, फिर कंपनी के गेट पर बस गई है, बस ले आया, फिर बस में से साबरमती पहुँचाया स्टेशन पर, स्टेशन से फिर गाड़ी में बैठे यहाँ बरेली आए। तो टिकट वगैरह लेना पड़ा आपको? नहीं, काउंटर पर अपन लोग नहीं गए थे जी, लेकिन बस में ही सबसे 525 रुपया लिया गया है। अहमदाबाद से कासगंज जिला कासगंज। तो अकेले आए हैं? नहीं, हमारे साथ में हैं। कितने लोग थे आप लोग? हम 4 लोग हैं। अच्छा, कोई रास्ते में तकलीफ समस्या? नहीं, कुछ भी नहीं। खाने पीने को मिला? मिला। सरकार ने अच्छा काम किया आप लोगों? हाँ, अच्छा काम किया। लॉकडाउन के दौरान ना हो किसी को परेशानी, इसलिए SD वेब सॉल्यूशंस ने बनाई है www.lockdownseva.in नाम की वेबसाइट। अगर आपकी दवाई या राशन की दुकान है तो फ्री में रजिस्टर करवा के आप लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों को जरूरत की दवाइयां या राशन भिजवा कर मदद कर सकते हैं। और अगर आप एक ग्राहक हैं तो आप www.lockdownseva.in के जरिए जरूरी सामान घर पर मंगवा सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। SD वेब सॉल्यूशंस, ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9557839210।